जब हम कुरान के अंदर लफ्ज़ रब को सुनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि रब उस ज़ात को कहते हैं जो मुरब्बी होता है, जो नर्चरर होता है, जो पालने वाला होता है। इसका उर्दू में तर्जुमा बड़ा अच्छा किया जाता है, पालने वाला, जो नरिश करता है, जो एक छोटी सी मखलूक को बड़ा करता है और फिर तकमील तक पहुँचाता है, और उसके बाद जो है वो छोड़ता नहीं है बल्कि वो अपने पास बुला लेता है। तो इब्तदा भी जो है वो अल्लाह से होती है और जो इंतहा है वो भी इंसान की अल्लाह तक ही होती है। चले हम शुरू करते हैं। अल्लाह कहता है वलहु मन फिस समावाती वल अर्ज़, उसी की ही मिल्कियत है, अल्लाह ही की ओनरशिप में है, मन फिस समावाती मन फिल, जो कुछ आसमानों के अंदर है और जो कुछ ज़मीन के अंदर है, अल्लाह कहता है सब कुछ किसकी मिल्कियत है? अल्लाह कहता है मेरी मिल्कियत है। अल्लाह जब लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, मैं रब हूँ तुम्हारा, जो पालता है ना, तो पालने के अंदर ही अल्लाह की सिफत रहमत जो है वो साथ होती है। आप इसकी मिसाल लें, एक इंसान गार्डनर है, माली है, आप देखें वो एक बागीचे की, एक प्लांट की कितनी प्यारी तरीके से देखभाल करता है, किस तरीके से उसका ख्याल करता है, उसकी खुदाई करता है, उसके अंदर खाद डालता है, उसको कोई यूरिया देना है यूरिया देता है, उसको कोई पेस्टिसाइड देना है कोई स्प्रे करना है उसको स्प्रे करता है, उसको धूप ज़्यादा देनी है उसको धूप ज़्यादा दिलवाता है, उसको धूप कम देनी होती है उसको धूप, इसे कहते हैं पालने वाला। तो अल्लाह ताला ने तख्लीक के साथ, बुलाने के साथ, जहाँ जहाँ आप देखेंगे अल्लाह ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, रब,